दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पॉपकॉर्न बनाकर सेल करने के बहुत ही साधारण बिजनेस के बारे में। अब जो कि ये बिजनेस हर जगह पर, हर गली में, हर चौराहे में आपको देखने के लिए मिलता है, तो कभी आपने इस बात का अंदाजा नहीं लगाया होगा कि इस बिजनेस में लोग कितना कमाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे आप सिर्फ पॉपकॉर्न बेच करके डेली का 2 से 4 हजार रुपए की अर्निंग कर सकते हैं, और ये काम आपको 10-12 घंटे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4-5 घंटे भी आप इसमें काम कर सकते हैं। और पॉपकॉर्न बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, और जो पॉपकॉर्न के स्टॉल वाले होते हैं वो लोग किस तरीके से पॉपकॉर्न बनाते हैं, कैसे सेल करते हैं, किन किन जगहों पर पॉपकॉर्न सेल होता है, और इसकी डिमांड के हिसाब से पॉपकॉर्न को कितने रेट में बनाया जाता है और कितने रेट में बेचा जाता है, ये पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो अगर आप ऐसे ही बिजनेस आइडियाज की जानकारी हमेशा लेना चाहते हैं और अप टू डेट रहना चाहते हैं मार्केट के बारे में, तो इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं पॉपकॉर्न की, और पॉपकॉर्न को बनाने के लिए आपको काफी साधारण सा रॉ मटेरियल लगता है, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, पॉपकॉर्न को बनाने के लिए आपको मकई की जरूरत होती है, जिसे कॉर्न भी कहा जाता है, और ये मकई आपको कोई भी साधारण किराना स्टोर पर अपने आसपास में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको जरूरत होती है कुछ मसालों की, जिन मसालों का इस्तेमाल आप करना चाहते हैं, जैसे काफी टाइप के अलग अलग फ्लेवर के पॉपकॉर्न होते हैं, जैसे कि सॉल्टेड पॉपकॉर्न, चीज पॉपकॉर्न, या फिर इसके अलावा टोमेटो फ्लेवर पॉपकॉर्न, पिज्जा फ्लेवर पॉपकॉर्न, ऐसे अलग अलग फ्लेवर पॉपकॉर्न्स के लिए अलग अलग मसालों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको जरूरत होती है ऑयल की, आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, चीज पॉपकॉर्न में चीज भी आप डाल सकते हैं। तो ये थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर बाद में जब आप पॉपकॉर्न बनाते हो, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पॉपकॉर्न को बनाने के लिए अब साधारण जो तरीका होता है, जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, वो ये है कि आप पॉपकॉर्न के मकई को आप किसी भी कुकर में डाल देते हो, 2 मिनट तक आप उसको कुकर में रखते हो और मकई का पॉपकॉर्न बन जाता है, फिर आप निकाल करके उसको खा लेते हो, काफी इंजॉय करते हो। लेकिन जब आप पॉपकॉर्न का बिजनेस करने जा रहे हो, तो आपको जरूरत पड़ेगी पॉपकॉर्न बनाने की किसी मशीन की। भले वो मशीन काम कितना भी बढ़िया करती हो, लेकिन उसके साथ साथ में वो दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि जो दिखता है वो बिकता है। वैसे ही अगर आप कहीं पर भी पॉपकॉर्न की मशीन को लगाओ, तो लोग उसको देख करके अट्रैक्ट होने चाहिए और आपके पास आकर के आपके प्रोडक्ट को टेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं A1 मशीनरीज कंपनी की पॉपकॉर्न मशीन। यहाँ पर आप ये मशीन देख सकते हैं दोस्तों, ये एक पॉपकॉर्न मशीन है, और ये दिखने में कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव है। अब ये मशीन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो ये मशीन में तीनों तरफ से आपको ग्लास देखने के लिए मिलता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेम है ये मशीन का। ये मशीन में तीनों तरफ से आप देख सकते हो ग्लास लगा हुआ है, और अगर मैं आपको अंदर की तरफ दिखाऊं, तो आप अंदर की तरफ देख सकते हो ये मशीन में सबसे पहले तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक हैंडल है, ये मैग्नेटिक डोर है, ये डोर को आप ओपन करना है आपको। ये नीचे ट्रे दिया हुआ है ताकि आपका पॉपकॉर्न का सर्विंग जो है आप यहाँ पर रख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको यहाँ पर एक आपको कुकर टाइप मिलता है, इसके अंदर आपका पॉपकॉर्न बनकर के तैयार होता है। और दोस्तों इसके अलावा ये इस तरीके से निकल जाता है और पूरा पॉपकॉर्न आपका यहाँ पर गिर जाता है, और वो डिस्प्ले होता है ताकि लोगों को दिखे और लोग आकर के आपके पास से आपका प्रोडक्ट खरीदें। ये बहुत ही क्वालिटी में बढ़िया प्रोडक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हीट स्विच, वार्म स्विच और ऑन एंड ऑफ स्विच, और दोस्तों वार्म एंड लाइट स्विच, ये 3 स्विच यहाँ पर कंट्रोल दिया हुआ है। और ये जो आप देख रहे हो, ये पॉलीकार्बोनेट का दरवाजा है, और दोस्तों पूरी जो मशीन है वो चारों तरफ से आप देख सकते हो यहाँ पर ग्लास लगा हुआ है। ये ग्लास की वजह से आपका प्रोडक्ट बहुत अट्रैक्टिव दिखता है। मैं आपको इस वीडियो में इस मशीन का डेमो दूंगा, और दोस्तों उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप पॉपकॉर्न का बिजनेस कर सकते हो। सिनेमा हॉल के पास आप किसी मॉल के अंदर कर सकते हो, किसी कैफे में आप पॉपकॉर्न मशीन का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर कह लीजिए कि आप किसी स्कूल के बाहर, किसी कॉलेज के बाहर, किसी भी पब्लिक प्लेस के बाहर, या कोई साधारण से गली चौराहे पर भी आप पॉपकॉर्न का बिजनेस कर सकते हो। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए, पहले हम इसका एक डेमो देखते हैं, डेमो के बाद में हम बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट को आप कैसे, आप इसको 10 अलग अलग तरीकों से पैकेजिंग कर सकते हो, पैकेजिंग करके सेल कर सकते हो, आप चाहो तो ब्रांड बना करके, या फिर आप चाहो तो इसको लाइव बना करके भी सेल कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, चलिए देखते हैं इस मशीन का एक लाइव डेमो। दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं इस मशीन का एक लाइव डेमो।
अब मैं ये मशीन को आपको चालू करके बताता हूँ कि कैसे काम करती है, कैसा कुछ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है जो कि हमारे सामने रखा हुआ है। और दोस्तों, इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो टब दिख रहा है आपको, ये हीट हो जाता है। और ये मेन जो है हमारा फ्रायर है जिसमें पॉपकॉर्न बनते हैं, और उसके बाद में नीचे हीट होता है। इसके अलावा इसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शन है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हो, ये वार्म एंड लाइट का है, यानी कि नीचे से वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, पॉपकॉर्न गर्म रहेगा आपका, ऊपर से लाइट ऑन हो जाएगी। ये हीट का बटन मैंने ऑन कर दिया, अभी ये हीट होना चालू हो गया है। और ये जो है टर्निंग का बटन चालू हो गया है, जिससे ये अंदर जो है ना, ये आपका मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, ये जो है आपका ये टर्न होता है, तो इससे क्या है आपके पॉपकॉर्न जो है ना, वो अच्छे तरीके से बनते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले आपको क्या करना होता है अगर आपको पॉपकॉर्न बनाना है। तो हमने हीट ऑन कर दिया है, हमने टर्न ऑन कर दिया है, और हमने वार्म लाइट भी ऑन कर दिया है। अभी हम टर्न को ऑफ कर देते हैं, हीट को भी ऑफ कर देते हैं, और हम सबसे पहले इसके अंदर ऑयल डालेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको अंदाजे से ऑयल डालना होता है दोस्तों। इसमें ना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको बस है ना अंदाजे से इसमें इस तरीके से ऑयल डालना है। ये देखिए, ये मैंने ऑयल डाल दिया, ये थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया, तकरीबन मेरे हिसाब से 25 ml मैंने डाला है, 25-30 ml। और उसमें आपको ये जो मकई है ये डालना है। अभी ये किस तरीके से डालना है, किसी किसी को ऐसे डालने के लिए आसान होता है आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट हो तो। और हम जो है अभी इसको इस तरीके से डाल देते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये जो पूरी मकई है ये इसमें डाल देंगे। अभी थोड़ी सी बच गई है यहाँ पर। अभी मकई डालने के बाद में मैं आपको बताता हूँ कि आगे का हमारा क्या प्रोसेस रहेगा। तो दोस्तों, मकई डालने के बाद में सबसे पहले आप देख सकते हैं वार्म एंड लाइट का यहाँ पे मैंने ऑन रखा था। यहाँ पे मैं हीट को ऑन कर दूंगा, मैं टर्न को ऑन कर दूंगा, और टर्न ऑन करने के बाद में आप देखिए अंदर किस तरीके से प्रोसेस होता है। सबसे पहले ये जो टर्न है घूमता है, और इस तरीके से ये सारी चीजों को जो है सही कर लेता है। ये जो है सारी चीजों को सही कर लेता है। ये ऐसे टर्न होगा और 2 मिनट में पॉपकॉर्न बनेगा। हम लोग तब तक इंतजार कर लेते हैं और ये प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। अभी दोस्तों धीरे धीरे गर्म हो रहा है, इसको लगभग 1 मिनट का समय लगेगा। तो इसके ऊपर का जो शाफ्ट है ये आप देख सकते हैं, कैप है, इसको हम इस तरीके से नीचे कर देते हैं, और ये ऊपर मैग्नेट को जा करके चिपक जाता है। तो इस तरीके से नीचे कर देते हैं और इंतजार करते हैं इसके बनने का। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप इस प्रोडक्ट को पैक कर सकते हो, कैसे इसको मार्केट में सेल कर सकते हो, काफी अलग अलग तरीकों से आप कैसे पॉपकॉर्न का बिजनेस कर सकते हो। दोस्तों, अभी अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमारे पॉपकॉर्न बन रहे हैं, और आवाज़ भी आप देख सकते हैं कैसी चटपटी सी आवाज़ आ रही है। मैं आपको अंदर की तरफ से दिखाता हूँ तो आपको और समझ आएगा। ये देखिए कितने शानदार पॉपकॉर्न बन रहे हैं दोस्तों, गर्मा गर्म। ये देखिए पॉपकॉर्न की क्वालिटी देखिए आप, ये देखिए बिल्कुल गर्मा गर्म पॉपकॉर्न बन रहे हैं। अब इसको मसाला कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, वीडियो देखते रहिए दोस्तों। ये देखिए आप, अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसको मसाला वगैरह कैसे लगाना होता है। दोस्तों, कभी भी आप पॉपकॉर्न बनाओगे ना तो आप देख सकते हो यहां पर कितने सारे पॉपकॉर्न हैं। ये देखिए, अभी अगर आपको मसाला कोई भी इस्तेमाल करना है, ऐसे में अभी ये मसाला इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप किसी भी ब्रांड का कोई भी मसाला आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपको इस तरीके से पूरे पॉपकॉर्न के ऊपर ये मसाले को झटक देना है। देखिए इस तरीके से डाल देना है आपको, सिर्फ तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस तरीके से डाल देना है। आपके हिसाब से जितना आपको ठीक लगे आप उतने मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, अभी ये मसाला डालने के बाद में आपको क्या करना है, आपको इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, वो मैं आपको करके बता देता हूँ अभी मैं। ये देखिए, ये जो पॉपकॉर्न है ना, इसको आपको इस तरीके से मिक्स कर लेना है। ये आप देखिए,
अभी ये मसाला लग चुका है इसके ऊपर, और अभी अगर आपको इसको खाने के लिए आप सर्व करना चाहते हो, जैसे मानिए आप किसी सिनेमा हॉल, किसी बस स्टैंड, कॉलेज, रेस्टोरेंट, रेलवे स्टेशन या फिर किसी पब्लिक प्लेस या कहीं भी चौराहे पर अपने कैफे में आप कहीं भी ये मशीन को लगाते हो, तो अगर आप इसको सर्व करना चाहते हो तो इस तरह का आप देख सकते हैं मेरे पास में इस तरह का पैकेट्स आते हैं। ये देखिए ये पैकेट्स है, और ये पैकेट में आपको इस तरीके से बस ये पॉपकॉर्न को इस तरीके से भरना है, और ये देखिए ये आपका सर्विंग तैयार है। इस तरीके से आप सर्व कर सकते हो अपने कस्टमर्स को, ये देखिए। और इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको इसका बिजनेस करना है तो आप इस तरीके से ये जो पॉलीथीन है हमारे पास में, ऐसी पॉलीथीन ले करके आप इसका बिजनेस भी कर सकते हो। इस तरीके से आपको इसके अंदर पॉपकॉर्न भरना होता है, ये देखिए ये हमारा पॉपकॉर्न के अंदर चले गया, ये चाट फ्लेवर का पॉपकॉर्न है। अभी इसको हम यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसी हैंड सीलिंग मशीन से गर्मा गर्म पॉपकॉर्न को सील भी कर सकते हैं। और ये आप कितने भी साइज का पैकेट आप बनाना चाहो, ये 5 रुपये 10 रुपये आप देखोगे हर जगह पर बिकता है, और इसको बनाने की लागत जो आती है ना वो बहुत कम आती है। एक्शन दोस्तों, पूरा प्रोसीजर दिखाया आपको, ये इसको आपको शाफ्ट को भी ऊपर कर लेना है, कैसे सर्व करना है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। देखिए इस तरीके का आपको पैकेजिंग आता है, ये पैकेजिंग को बस क्या करना है इस तरीके से खोलना है, और आप पॉपकॉर्न यहां पर है ना इस तरीके से इसको एक साइड में कर लो, आपको हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरीके से आप भर दो, ये रहा आपका पॉपकॉर्न। ऐसे आप सर्व कर सकते हो खा के, बहुत बढ़िया टेस्ट में बनता है प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया बनता है ये मशीन से बना प्रोडक्ट। और डिस्प्ले कितना अच्छा होता है आपको सामने तरफ से दिखाता हूं मैं, ये आप देखिए, ये अगर आपका समझ लीजिए कि पॉपकॉर्न अगर आप सेल कर रहे हो ना, ये आप देखिए ये कितना बढ़िया डिस्प्ले बन जाता है। इस तरीके से आपको इसको बैंड करके खाली कर देना है जब आपका पॉपकॉर्न बन जाएगा, और ये देखिए, और इसको आपको जो है वार्म का जो बटन है ना इसको आपको ऑन रखना है ताकि आपके पॉपकॉर्न जो है वो गर्म रहे। अब दोस्तों ये अगर मशीन आपको लेना है, ये मशीन को ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बहुत ही बढ़िया मशीन है। और अगर इस मशीन को आपको लेना है तो आपको बस स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल करना है। और पॉपकॉर्न का बिजनेस दोस्तों हर जगह चलता है, बहुत कम कीमत में मशीन लॉन्च कर रहे हैं, तो आपको बस स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर एक बार कॉल करना है, आपको डिटेल्स मिल जाएगी, व्हाट्सअप कर सकते हो आप, और एक बार आप सोचिए इस बिजनेस के बारे में। मैं चाहता हूं कि आप ये बिजनेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो बात की बात है, लेकिन आप एटलीस्ट जानकारी तो ले लो, आपको पता तो रहे कि पॉपकॉर्न का बिजनेस कितने में स्टार्ट होता है और बनता कितने में। वो आप जा करके 1 किलो मकई का प्राइस निकाल लीजिए मार्केट में, 40-50 रुपया होगा, और 1 किलो में तो मैं बता देता हूं इतना पूरा बक्सा भर जाएगा 1 किलो में, तो आप सोचिए कमाई का जो है ना दोस्तों 10 गुना प्रॉफिट है इसके अंदर, सीरियसली। तो अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉल कीजिए। अगर आपको ये मशीन अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।